अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता कुकिंग सेंट्रल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाबलेश्वर में मिलने वाली मसाला कॉर्न चाट की रेसिपी। गाइज, ये एक बार अगर आप बनाकर खाएंगे तो महाबलेश्वर की याद तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएंगी। बारिश का मौसम है गाइज, ये कुछ चटपटा बनाकर खाइए। गाइज, ये खाने में इतनी मजेदार लगती है कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। गाइज, आप अगर इस तरह से कॉर्न बनाएंगे तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगी। जरूर से बनाइए और बारिश की रिमझिम बारिश में गरम गरम चाट का मजा लीजिए। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी कॉर्न चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं नहीं आ ली हूँ 2 कप कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न है और ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप चाहे तो इसे भुट्टे से अलग कर ले या फिर इस तरह के छिले हुए भी अवेलेबल है मार्केट में। मैंने यहाँ इसे भुट्टे से अलग कर लिया है। अभी इसे सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। पानी गर्म होने के बाद ही इसमें कॉर्न को डालें। बस टाइमिंग लगा के हमने 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करना है। ये फौरन से बॉईल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से, अगर ये ब्राइट दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी कॉर्न बिल्कुल बॉईल हो चुकी है। इसे भी हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। इसे डाल देंगे हम किचन नैपकिन पे और थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं 15 से 20 मिनट। ये फौरन ही सूख जाएंगी, लेकिन अभी बच्चे तो सब्र ही नहीं करते कोई चीज़ के लिए, तो मैं फटाफट से इसे बना दे रही हूँ। पानी पूरा ड्राई हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाट ही तो गाइस, चाट मसाला तो बनता है, तो यहाँ 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच यहाँ ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लोर। इससे एकदम क्रंची फ्लेवर हो जाएगा हमारा। और साथ में हम यहाँ 2 चम्मच ऐड करेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो तो आप 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। अभी इसे चम्मच से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसके अच्छे से कोटिंग हो जाए सारे कॉर्न पे हमारी। आप देख रहे हैं कोटिंग हो गई है। अभी हम ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रहे गाइस, ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जब हम कॉर्न डाले इसमें। फ्लेम को मीडियम नहीं रखना है बिल्कुल भी, एकदम फास्ट रखें फ्लेम को। आप अगर इस तरह से कॉर्न बनाएंगे तो महाबलेश्वर में जो मिलती है मसाला कॉर्न, आप ज़रूर उसे बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। किस किसने महाबलेश्वर की मसाला कॉर्न चाट खाई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये बारिश का मौसम है गाइस, तो बिल्कुल इस चटपटी चीज़ों का मजा भी उठाइए। गाइस, ये कॉर्न है ना तेल में जाके फूटने लगती है, तो एहतियात से करें। एक आप कवर साथ में ले लें और इसे 1/2 कवर कर लें, और फिर जब भी आपको हिलाना हो तो आप थोड़ा सा साइड करके इस तरह से हिलाएं और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। गाइस, ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, मैंने इसे ऑयल से बाहर निकाल दिया है। अभी इसे हम चाट में कन्वर्ट कर लेंगे। सारी हम अपनी कॉर्न इसके ऊपर निकाल देंगे एक ट्रे या बाउल में। इसी के ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी कटी हुई प्याज। अगर आप ये कॉर्न रखकर खाना चाहते हो तो प्याज बाद में ऐड करें जब आपको खाने हो। इसी के साथ डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपके बच्चे खा रहे हो तो मिर्ची स्किप कर दें। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश कोथमीर। माशाल्लाह, हमारी एकदम महाबलेश्वर वाली मसाला कॉर्न चाट तैयार है गाइस। इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ी सी चटपटी और मजेदार बनाने के लिए इस पे हम डाल देंगे नींबू का रस। गाइस, ये हमारी मसाला कॉर्न चाट बनकर रेडी हो चुकी है। बिल्कुल महाबलेश्वर में मिलने वाली कॉर्न चाट लग रही है ना। किस किसने खाई है महाबलेश्वर में कॉर्न चाट मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।